दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल रावनी और मैं आज बताऊंगा कि आप जंगल में फूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जंगल में सर्वाइव करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास एनर्जी होना चाहिए, और एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फूड रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप जंगल में फूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। और जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फल और सब्जियाँ मिल जाएंगे। तो और एनर्जी का सबसे अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। तो आज मैं दिखाऊंगा कि आप जंगल में कैसे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को और विटामिन वाले फूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप जो इसको देख रही है, एक वाइल्ड पोटैटो है जो कि इसे लताएं में उगती है, और ये मेरे बहुत सारे हैं लेकिन ये असल में पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके आप देख सकते हैं। और मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि सड़ भी चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे हैं, ऊपर में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप। और फाइनली दूसरा भी मिल चुका है और ये सड़ा हुआ नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल चुका है। अब जो मुझे चाहिए वो है सिर्फ विटामिन्स, और विटामिन्स भी इस जंगल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक खजूर का पेड़ है लेकिन इसमें खजूर उगे नहीं है, तो इसे तो नहीं खा सकते। तो यहाँ पर एक अंजीर का पेड़ भी है, इसे आप इसके तने से पहचान सकते हैं क्योंकि ये हमेशा वाइट रहता है। और इसके जो पत्ते होते हैं इसमें बहुत ही पतले पतले रेशे होते हैं। तो इस वक्त मैं जंगल के और अंदर जाऊंगा। तो यहाँ पर एक अंजीर का पेड़ भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, और अंजीर के पेड़ में बहुत सारा अंजीर भी है। और अभी मैं इस अंजीर के पेड़ में चढ़ूंगा। मैं कैमरे को कुछ इस तरह पकड़ लेता हूँ और मैं फाइनली पेड़ में चढ़ चुका हूँ। और आप देख सकते हैं अंजीर, कितने सारे अंजीर हैं। और इसमें से मैं एक टेस्ट करना चाहूँगा, इसको पहले साफ कर लेना पड़ेगा। और आप इसे ऐसे खा सकते हैं। इस तरह के अंजीर में विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं। ये सब में पका हुआ नहीं है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। इसका स्वाद थोड़ा खीरा जैसा लग रहा है, और आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। तो इस वक्त मेरे पास वाइल्ड पोटैटोस और अंजीर है, तो सबसे पहले मैं आग जलाऊंगा ताकि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, ताकि मच्छर भाग जाए धुएं से। और इसे उसके बाद पकाऊंगा आग में, जिससे इसका स्वाद और अच्छा बन जाएगा। फाइनली जो आग है वो जल चुकी है। जो आग जल रही है तो मैं इसको छील लूँगा पहले, क्योंकि जब तक आप इसको छीलेंगे नहीं तब तक अच्छा नहीं लगेगा इसको खाने में, और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। ये मेरे जो मैंने आलू कलेक्ट किए थे वाइल्ड पोटैटोस, वो अभी आग पे पक रहे हैं। ये कुछ इस तरह दिखता है, और इसे मैं खाऊंगा। इसका स्वाद
हीरा जैसा लग रहा है। ये पकने के बाद कुछ ठीक इस तरह दिखता है। और मेरे पास अभी वाइल्ड पोटैटो और फिग है, इसे मैं खा चुका हूँ। इसका स्वाद थोड़ा खीरा जैसा है और इसे अब टेस्ट करूँगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। देख सकते हैं आप, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। इसका स्वाद वैसे ही जैसे हम लोग घर में जो पोटैटो खाते हैं वैसा ही है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसका जो कलर है थोड़ा इस जगह पे पर्पल है। और इस तरह से आप जंगल में प्रोटीन, विटामिन्स और जो जो न्यूट्रिशन होते हैं उसे आप खोज सकते हैं जंगल में। और जंगल में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, यहाँ तक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत कुछ।